नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HSFL लिमिटेड के बारे में। तो इससे में आप लोगों को फाइनली तेजी देखने के लिए मिल गई है। अगर हम लोग पिछले 5 दिन का ग्राफ देखते हैं तो आप लोग को देखने के लिए मिल जाए कि इस शेयर में एक बड़ी गिरावट आप लोग को देखने के लिए मिल रही थी, उसके बाद इस शेयर में अब दोबारा से आप लोग को एक तेजी देखने के लिए मिल रही है। तो बेसिकली ये तेजी जो आप लोग कोई भी चार्ट के उस पर नहीं है, HFCL में एक न्यूज निकल के आ रही है जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई वीडियो को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो देखा जाए HFCL का जो भी करंट प्राइस 69.50 पैसे पर ये शेयर करंट ट्रेड कर रहा है, और आज के दिन हम लोग को इस शेयर में अप्रोक्स 2.3% तक की बढ़त देखने के लिए मिली है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, HFCL में जो न्यूज निकल के आ रही है वो इतनी अच्छी है कि इस शेयर का जो प्राइस है 669 से लेके आप लोग को 600 तक देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना बेनिफिशियल आप लोगों के लिए हो सकता है ये शेयर। अब बात करते हैं न्यूज़ क्या है। तो देखिए, जो विप्रो और HFCL है उन लोगों ने एक कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप द 5G प्रोडक्ट्स। अब देखिए 5G टेक्नोलॉजीज तो आएगी, लेकिन बात करते हैं 5G प्रोडक्ट्स ही होते क्या है। तो देखिए 5G फोन्स भी आने हैं इंडिया में, 5G के डिवाइसेस भी आने हैं। अब डिवाइसेस कैसे हो सकते हैं, अभी आप लोगों को पता होगा जो वाईफाई कार्ड्स होते हैं, जो आप लोगों को मतलब जो लोग को नॉन टेक पर्सन उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, जैसे कि वाईफाई कार्ड्स हो गए जो कि आपके लैपटॉप्स में लगते हैं, आपके मोबाइल्स में लगते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस में लगते हैं जहाँ जहाँ पे वाईफाई का यूज़ हो रहा है, जैसे एलेक्सा हो गया और अब तो स्पेक्स भी आने लगे वाईफाई वाली, तो उन सब जगह पे भी 5G वाईफाई कार्ड्स की हेल्प ली जाएगी। जिन जिन चीज़ों में सिम यूज़ होते हैं उन सब में 5G के डिवाइसेस डेवलप करे जाएंगे, तो उन सब में हेल्प करने वाला है विप्रो और HFCL। और ऐसा अगर होता है तो HFCL में आप लोग को चार चांद देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद हम लोग ग्राफ के ऊपर भी ध्यान देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी कैंडल हम लोग को बनती दिखाई दे रही है, और एक बड़ी वॉल्यूम की भी अगर हम लोग इंडिकेटर देख सकते हैं, बड़ी वॉल्यूम भी आप लोग को इस शेयर में देखने के लिए मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो ध्यान रखना आप लोग को मार्केट को वॉच करके रखना HFCL को, और हो सकता है HFCL आप लोग के भाग खोल दे और जितना इस शेयर में आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं हो सकता है किसी और शेयर में आप लोग को ना देखने के लिए मिले। इसके अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखते हैं तो ओवरऑल जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत कम है, 40% तक की प्रमोटर्स होल्डिंग आप लोग को इस शेयर में देखने के लिए मिल रही है, लेकिन बहुत सारे शेयर में प्रमोटर्स होल्डिंग बिल्कुल जीरो भी रहती है। बट कोई बात नहीं, एक अच्छी है कम से कम प्रमोटर्स जो कंपनी के प्रमोटर्स है उन्होंने इससे होल्ड कर रखा है। पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट बढ़ा है वो भी 12% तक का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और आफ्टर टैक्स जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करी तो 318 करोड़ का आफ्टर टैक्स कंपनी प्रॉफिट जनरेट करा है। किसी किसी क्वार्टर में इसने डिविडेंड भी काफी अच्छा डिविडेंड आप लोग को इसमें देखने को मिल जाता है, वो किसी किसी क्वार्टर में कंपनी रेगुलर बेसिस पर कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। इसके जो हम लोग स्टॉक पीरियड देख सकते हैं तो 30 है, और जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री पीरियड वो सिर्फ 18 ही आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 1 साल में जो कंपनी ने रिटर्न दिए 97% तक के रिटर्न आप लोग को में देखने के लिए मिल जाएगी। हम लोग देखें तो इसका जो कंपनी का सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स है, इंजीनियरिंग ट्रेडिंग सर्विस में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके जो कंप्यूटर आप लोग को देखने के मिले LNT हो गया, GMR इन्फ्रा हो गया, RITs हो गया, इंजीनियर और भी बहुत सारी कंपनीज को आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर हम लोग बात भी कर लेते तो कंपनी ने कुछ क्वार्टर्स में लॉस भी मेकिंग करा है। 2012 के ईयर में कंपनी ने 2012 में लॉस मेकिंग करा था, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, और इस बार कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है अपने शेयर होल्डर को। बैलेंस शीट देख लेते तो कंपनी के एसेट्स है वो आप लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोग इसके इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर्स होल्डिंग में भी आप लोग को काफी अच्छे होल्ड कर रखा है प्रमोटर्स ने। FILs की बात करते हुए FILs के भी 6% तक का स्टेक FILs ने होल्ड कर रखा है। DILs की हम लोग बात करें तो क्वांटम कैपिटल ट्रस्टेड एंड एक्टेस्टेड लिमिटेड एंड क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने भी इस शेयर में पैसा होल्ड कर रखा है। अप्रोक्स 1 पॉइंट तक का स्टेक इस शेयर ने होल्ड कर रखा है। IDBI ने भी इस शेयर में काफी अच्छा पैसा होल्ड कर रखा है। पब्लिक का 52% तक का स्टेक इस शेयर में है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है आपके रिमाइंड से लोग पेन स्टॉक की तरफ ज्यादा भागते हैं, तो हो सकता है इस शेयर में आप लोग अगर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या आप लोगों ने शेयर होल्ड कर रखे हैं तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाला है। और गाइस मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कितने शेयर आप लोगों ने HFCL के होल्ड कर रखे हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।